हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम घर में रखे बहुत ही सस्ते और साधारण मटेरियल से आइसक्रीम बनाएंगे। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे तो आइसक्रीम की फरमाइश करेंगे ही। ऐसे में जब आप उनके लिए 5 मिनट में आइसक्रीम बना देंगे तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए हम बहुत ही स्वादिष्ट और इंस्टेंट आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 रुपये वाले पार्ले जी बिस्किट के 3 पैक लेंगे। हम पैक खोलकर बिस्किट निकालकर उन्हें तोड़ लेंगे और बिस्किट को तोड़कर हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। हम अपने तीनों बिस्किट के पैक खोलकर उन्हें तोड़कर मिक्सी जार में भर देंगे। अब हम मिक्सी जार में 1/2 टी कप चीनी डाल देंगे और मिक्सी जार को बंद करके बिस्किट और चीनी को पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। बिस्किट का फाइन पाउडर बन जाने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस डालने के बाद हम मिक्सी जार में 1/2 टी कप मलाई डालेंगे, 1 टी कप दूध डालेंगे। 1 टी कप दूध डालने के बाद हम इस मटेरियल को मिक्सी जार में 30 से 40 सेकंड चला लेंगे ताकि इसका परफेक्ट बैटर बन जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है। देखिए, इस मटेरियल को 30-40 सेकंड चलाकर हमने आइसक्रीम का परफेक्ट बैटर तैयार कर लिया है। आइसक्रीम का बैटर पतला नहीं रहना चाहिए, इसे कुछ थिक ही होना चाहिए। हमने इस बैटर को प्लास्टिक के एक मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और इसे ऊपर से ढक दिया है। अब हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। देखिए, केवल 5 मिनट में हमने अपनी आइसक्रीम का मटेरियल तैयार करके इसे फ्रीजर में रख दिया है। 3 घंटे बाद हम इस मोल्ड को निकालेंगे। देखिए, हमारी आइसक्रीम जमना शुरू हो चुकी है। एक बार हम इस आइसक्रीम को आइसक्रीम मोल्ड से निकाल कर मिक्सी जार में डालेंगे और इसे मिक्सी जार में डालकर 1 मिनट तक चर्न करेंगे। हमने मिक्सी को 1 मिनट तक चलाकर इस आइसक्रीम को चर्न कर लिया है और देखिए मिक्सी जार में पड़ी हुई आइसक्रीम कितनी क्रीमी लग रही है। अब हम इस आइसक्रीम को एक बार फिर से आइसक्रीम मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे और आइसक्रीम मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद इसे ओवरनाइट हम फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। हमने आइसक्रीम को आइसक्रीम मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और ओवरनाइट फ्रीजर में रख देंगे। देखिए, रात भर फ्रीजर में रखने के बाद हमारी आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है और देखिए आइसक्रीम कितनी शानदार तैयार हुई है। ये आइसक्रीम देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब हम इस आइसक्रीम को एक आइसिंग कोन में भर लेंगे। आइसक्रीम को आइसिंग कोन में भरने के बाद हम एक वेफर्स कोन लेंगे और आइसिंग कोन से हम आइसक्रीम को दिखाए गए तरीके से वेफर्स कोन में भर देंगे। देखिए, हमारी आइसक्रीम लग रही है ना बिल्कुल बाजार की प्रोफेशनल आइसक्रीम। यदि आपके पास आइसिंग कोन नहीं है तो आप प्लास्टिक की दूध की थैली ले लें और उसमें आइसक्रीम भरकर वेफर्स कोन में दिखाए गए तरीके से आइसक्रीम भर दें। ये बिल्कुल बाजार की आइसक्रीम की तरह ही लगेगी। यदि आप आइसक्रीम वेफर्स कोन में सर्व नहीं करना चाहते हैं तो आइसक्रीम मोल्ड से आइसक्रीम को स्कूपर से निकाल लें। यदि आपके पास स्कूपर नहीं है तो एक गोल करछी ले लें और दिखाए गए तरीके से आइसक्रीम को निकाल लें और कांच की प्याली में सर्व करें। आइसक्रीम को कांच की प्याली में रखने के बाद आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप डालें। आपकी बहुत ही टेस्टी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए, हमारी चॉकलेट आइसक्रीम कितनी सुंदर लग रही है। आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप डालने से ये आइसक्रीम बाजार की चॉकलेट आइसक्रीम से ज़्यादा टेस्टी लगती है। 5 रुपये में हमारी 15 आइसक्रीम के कोन तैयार हुए हैं। इसका मतलब है हमें आइसक्रीम का एक कोन केवल 3 रुपये का पड़ा है। आपको 3 रुपये में इतनी प्योर हाइजीनिक और स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज़ के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।